फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस अभी दो प्रकार की एप्लीकेशंस पर किया था, लीव एप्लीकेशन, सिंपल लीव एप्लीकेशन एंड देन सिक लीव एप्लीकेशन। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लीव सर्टिफिकेट। बात है सेम थिंग, जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमको टीसी लेना आवश्यक होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, उसमें आपका क्या रहता है गुड कंडक्ट, मतलब उसमें ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रहता है, टीसी सीसी में ही आपका ये इंक्लूड रहता है। इसकी एक ही प्रकार की एप्लीकेशन होगी, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर टीसी भी आता है इट मीन्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी मीन्स स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जब हम स्कूल छोड़ते हैं तब का, और सीसी मतलब मीन्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत कहाँ पड़ती है, यदि हम कहीं किसी सर्विस में अप्लाई करते हैं तो आपका कैरेक्टर मांगा जाता है, तो कैरेक्टर किस में आता है, वो आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ही आता है कि आपका कंडक्ट कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, तो वो उसमें आता है, तो इसलिए उसको सीसी बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और पूछी जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा कि किस लिए वो पूछ रहे हैं, तो एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अप्लाइंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अप्लाइंग फॉर सीपीयू, अप्लाइंग फॉर सिंपल। देन वी विल डिस्कस अबाउट टीसी एंड सीसी। तो सेम मैटर है, मैटर में थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको समझना है, तो आप इनको एक फॉर्मेट के अनुसार लिख सकते हैं। वही आएगा रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन यूर स्कूल। ये अंडरस्टैंड, ये आपको पता है कि 10th क्लास के आप स्टूडेंट, ठीक। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड भोपाल। सो आई कांट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, प्लीज इशू मी, प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी और एसएलसी। And then thanks, you are so obediently, so and so, X, Y, Z, don't write your name, don't write your roll number, must know it. So this is the format of transfer certificate ICC. And CC is also the format for CC, character certificate. Then you can understand कि जो फॉर्मेट है वो सभी का एक जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइए, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने आपको एक कंपेरेटिव बताया आपको कि जो सब्जेक्ट है वो आपका मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा, इसलिए सब्जेक्ट को वहाँ से लेना है। एड्रेस किसको करना है वो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस स्कूल का नाम भी रहेगा तो वो भी वहीं से मेंशन करना है। जो मैटर है रेस्पेक्टेड सर के बाद वाला जो मैटर है वो आपका थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप एक बार समझ लेंगे तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर टी सी और एस एल सी और सी सी, इज दैट क्लियर? ओके।